आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नोएडा से बीएसपी पार्टी प्रत्याशी किरपाराम शर्मा द्वारा नवादा गांव में किया गया चुनाव प्रचार। बात करते समय किरपाराम ने बताया, नोएडा के लोकल मुद्दों की बीजेपी सरकार अनदेखी कर रही है, किसान बीजेपी सरकार से नाराज है। कई अन्य मुद्दों पर किरपाराम शर्मा ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। नवादा गाँव वासियों ने किरपाराम शर्मा का भव्य स्वागत किया। किरपाराम शर्मा ने बताया, इस बार सब समाज मिलकर बीएसपी पार्टी को वोट करेगा। मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से विजय कौशिक, लोकेश कौशिक, प्रमोद शर्मा और भी अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत से ब्यूरो चीफ शिव पूजन शुक्ला के साथ नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। बीएसपी प्रत्याशी किरपाराम शर्मा जी आज जनता के बीच मौजूद हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाएंगे और किन मुद्दों के साथ जनता से वोट की अपील करेंगे जाना चाहेंगे। नमस्कार सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप जनता से वोट की अपील करेंगे? देखिए, मुद्दे यहाँ बड़े साफ हैं और जब किसी क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि या विधायक चुनती है तो इस भरोसे के साथ चुनती है कि उनके दुख में, दर्द में, मुसीबत में, ज़रूरत में विधायक उनके साथ खड़े रहे। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, एक नोएडा की विधानसभा ऐसी रही जहां विधायक कभी दिखाई नहीं। उन्होंने जनता के भरोसे को गहरी चोट पहुँचाई है। आज जनता उनके पीछे पीछे है। विधायक जनता से मिलना तो अलग, अपनी जनता से बात करना भी तो ही समझते हैं, जिसका नतीजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ता है। आज नौबत ऐसी आ गई है, हमारी बहन बेटियों को अपने कामों के लिए नोएडा प्राधिकरण के गेट पर फिरना पड़ता है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे यहाँ बहुत। मैं ये जानना चाहूँगा कि बीएसपी कार्यकर्ता के पास गिनाने के उपलब्धियाँ बहुत हैं, तो जनता विपक्ष भी इस बात को नहीं नकार सकता कि बहन कुमारी मायावती ने नोएडा को चमकाने में उनका अहम योगदान है। तो किस बात को लेकर ऐसी नाराजगी है कि जनता वोट कम करती है, क्या बताएंगे उनको आप? किसको जनता कम वोट करती है? बीएसपी सरकार की उपलब्धियाँ बहुत हैं जी, लेकिन जीत हासिल करने में नाकाम रहती है पार्टी, क्यों? नहीं, ये गलत फहमी है। 2007 में हम यहाँ से जीते, 2007 से 12 तक हमारे एमएलए यहाँ रहे। अब रही बात यह कि दो बीच में 2-3 चुनाव हुए, उसमें कई असमंजस ऐसे रहे, असमंजस में रही जनता। कहीं पार्टी अच्छी थी तो विधायक प्रत्याशी अच्छा नहीं था, कहीं प्रत्याशी ठीक था तो पार्टी ठीक नहीं थी। इसका लाभ भाजपा को मिला। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इस चुनाव में मुद्दे साफ हैं। लाखों हमारे भाई बहन ऐसे जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी, बैंक से लोन लिया, भुगतान कर दिया, फ्लैट नहीं मिले, आज किराया भी दे रहे, बैंक का इंटरेस्ट भी दे रहे, मकान नहीं मिला। मेरी पहली प्राथमिकता है ऐसे लोगों की रजिस्ट्री में कराऊंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण वर्ग बढ़ चढ़कर बीएसपी पार्टी को वोट करेगा? हाँ, निश्चित करेगा, ब्राह्मणों को ये मालूम हो जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।